नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन और मैं हूं आपके साथ चिराग सुखीजा। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और मुंबई इंडियंस के बीच एक धमाकेदार मैच देखने को मिला। ये मैच खास बना क्योंकि विराट कोहली और फाफ डुप्लेसी ने मिलकर इतनी शानदार बल्लेबाजी की कि मुंबई इंडियंस के गेंदबाजों के पास इसका कोई जवाब नहीं था। मुंबई इंडियंस के हर गेंदबाज को पीटा गया विराट कोहली और फाफ डुप्लेसी द्वारा, और 8 विकेट से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने इस मुकाबले को अपने नाम कर लिया। अब जीत के बाद विराट कोहली से जब सवाल पूछा गया कि इस जीत के बारे में आप क्या कहेंगे, तो उन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग सा जवाब दिया। सबसे पहले आपको बताते हैं कि विराट कोहली की पारी कैसी रही। विराट कोहली ने 49 गेंदों का सामना करते हुए 82 शानदार रन बनाए, 6 चौके लगाए और 5 छक्के लगाए। 167 की स्ट्राइक रेट से उन्होंने बल्लेबाजी की और शानदार प्रदर्शन यहाँ पर देखने को मिला। वहीं प्लेयर ऑफ द मैच की बात करें तो फैफ डुप्लेसी को यहाँ पर प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया, लेकिन विराट कोहली से भी बातचीत की गई कि आप इस जीत के बारे में क्या कहेंगे, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पहले शुरुआत में हमने मुंबई इंडियंस को ज्यादा रन नहीं बनाने दिए, शुरुआत में हमने अच्छे से विकेट झटक लिए, रोहित शर्मा को आउट किया, सूर्य कुमार यादव को आउट किया, कैमरॉन ग्रीन को और टिम डेविड को सस्ते में निपटाना हमारे लिए फायदेमंद साबित हुआ। करण शर्मा के बारे में उन्होंने कहा कि उन्होंने शानदार गेंदबाजी की, लेकिन तिलक वर्मा की तारीफ उन्होंने शानदार तरीके से की। उन्होंने कहा कि तिलक वर्मा ने जिस तरीके से बल्लेबाजी की वहां से मुझे कॉन्फिडेंस मिला, मुझे पता लग चुका था कि इस पिच पर रन्स आप बना सकते हैं, आसानी से आप छक्के चौके मार सकते हैं। और तिलक वर्मा ने जब उस तरीके की बल्लेबाजी की तो फैफ डुप्लेसी और विराट कोहली जानते थे कि ये टारगेट ज्यादा बड़ा नहीं है, यहां पर कॉन्फिडेंस की जरूरत है। और विराट कोहली और फैफ डुप्लेसी ने मिलकर जिस तरीके की बल्लेबाजी की वहां से साफ तौर पर यह दिख गया था कि आरसीबी इस मैच को जल्द ही जीत जाएगी। और हुआ भी कुछ ऐसा ही, मुंबई इंडियंस ने एक बार फिर से आईपीएल की शुरुआत की है हार के साथ और विराट कोहली फैफ डुप्लेसी की आरसीबी ने शुरुआत कर दी है धमाकेदार। अब विराट कोहली से जब बातचीत चल रही थी उन्होंने ये भी कहा कि इस बार नेट रन रेट मैं ध्यान में रखूंगा कि किस तरीके से हमें नेट रन रेट को भी चलाना है और नेट रन रेट में हम ऊपर रहने की कोशिश करेंगे। और उन्होंने इस चीज का जिक्र भी किया कि मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स ने, एक ने 4 बार टाइटल जीता है, एक ने 5 बार टाइटल जीता है, लेकिन इन दोनों टीमों के अलावा अगर सबसे ज्यादा कोई टीम प्लेऑफ्स में पहुंची है तो वो हमारी ही टीम है। इसके बाद वो मुस्कुराए और इस तरफ इशारा किया कि इस बार आरसीबी ट्रॉफी जीतने वाली। आपको क्या लगता है, क्या आरसीबी इस बार आईपीएल 2023 खिताब जीत रही है या नहीं, कमेंट बॉक्स में आपकी राय जरूर दीजिए। इसके अलावा अगर अभी तक आपने न्यूज नेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब भी कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि देश और दुनिया से जुड़ी हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। देखते रहिए।